उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बहुत दिन बाद मुशायरे में आया हूँ, आप थोड़ी देर पढ़वा लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, अपने रंग में आ सकूं, लेकिन जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, इसी बीच 3 दिन पहले 2000 का नोट भी बंद हो गया। अच्छा, कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट तो बंद करना ही था उन्हें, जो नोट उनके काम नहीं आ सकी उसे बंद कर देना ही ठीक था, उन्होंने बंद कर दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है, और अगर मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, ऐसे आते हुए रास्ते में हो गई है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आप उसी मूड में सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। क्या कहने, क्या कहने, मुझे लगना चाहिए कि ये वही सीमांचल है जिसने मुझे दुआएं दी 2012-13 में, जब मैं एक नया नया सा शायर आपके बीच आता था, आपने दुआएं दी और फिर आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं का सदका है। मैं सीधे सीधे नज्म सुनाता हूँ, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से भाषण सुन सुन के थक चुके हैं, मैं जानता हूं। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद सुनिएगा इस नज्म का। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अल्ता हाट वालों तैयार रहना अगले मिसरे पर। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा रंग में आ जाऊंगा अगर आपने सुनने की कोशिश की तो। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया, एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब, हलाल बैन कर दो, आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम 4 मिसरे करता हूं, और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए। के बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे, जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी।
तैयार रहना। वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी, यूं आवाम ने झटका मारा, झटका खा कर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की, आपकी ख्वाहिश की जो जो नज्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई, लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। जिंदाबाद। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दुआएं दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आपकी और बेदारी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके रंग तक आ सकूं। मैं बिहार में खड़ा हूं, मैं सीमांचल में खड़ा हूं, मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया का वो चेहरा भी है जो नालंदा का एक मदरसा है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी इमारत पे न जाने कितने निशान मौजूद हैं। यहां अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहां इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। मैं आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी। मैं डाइस पे मौजूद एक एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। हाय 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 हाय। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी
उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे, मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे, नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे, नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रस्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रस्ते पर, वाह वाह, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रस्ते पर।